चलो बच्चों इकट्ठा हो जाओ, आज हम फिर से बेबी शार्क की पानी के अंदर की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। नए दोस्तों, छुपे हुए गुफाओं और जादुई खजानों से भरे एक जबरदस्त एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। सीन वन, पानी के अंदर का बगीचा। कहानीकार बेबी शार्क और उसका परिवार एक रंग बिरंगे पानी के अंदर के बगीचे की तरफ तैर रहे हैं। बेबी शार्क बहुत उत्साहित है। बेबी शार्क, वाह, इन सभी खूबसूरत फूलों को देखो, चलो ढूंढते हैं। सीन टू, डॉल्फिन से मुलाकात। कहानीकार अचानक उन्हें एक खुश मिजाज हंसी सुनाई देती है और वे डॉल्फिन को मस्ती से तैरते हुए देखते हैं। बेबी शार्क, हाय डॉल्फिन, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहती हो? डॉल्फिन, हाय बेबी शार्क, मुझे अच्छा लगेगा, चलो बगीचे के चारों ओर रेस करते हैं। कहानीकार बेबी शार्क, डॉल्फिन और टर्टल हंसते और मस्ती करते हुए दौड़ना शुरू करते हैं। सीन थ्री, छुपी हुई गुफा। कहानीकार अपनी रेस के दौरान वे रंगीन कोरल से ढकी एक छुपी हुई गुफा पर ठोकर खाते हैं। मामा शार्क उत्सुकता से, उस गुफा के अंदर क्या है, चलो देखते हैं। कहानीकार अंदर उन्हें चमचमाते खजाने और चमकते क्रिस्टल मिलते हैं। बेबी शार्क, वाह ये तो कमाल है, ये तो खजाने का भंडार है। दादा शार्क हंसते हुए, क्या शानदार खोज है, चलो और ढूंढते हैं। सीन फोर, चमकता हुआ रास्ता। कहानीकार उन्हें एक चमकता हुआ रास्ता मिलता है जो गुफा के भीतर गहराई तक जाता है। जेलीफिश उत्साह से, मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता रोशन कर सकती हूँ। कहानीकार वे जेलीफिश का पीछा करते हैं, रास्ते में और भी खूबसूरत क्रिस्टल और खजाने खोजते हैं। डैडी शार्क, ये तो कमाल है, क्या एडवेंचर है। सीन फाइव, दोस्ताना ईल। कहानीकार अंदर गहराई में वे एक विशेष मोती की रखवाली करने वाले एक दोस्ताना ईल से मिलते हैं। ईल, मेरे घर में आपका स्वागत है, इस मोती में जादुई शक्तियाँ हैं, ये समुद्र के सबसे अंधेरे स्थानों को भी रोशन कर सकता है। बेबी शार्क आश्चर्य से, ये तो बहुत अच्छा है, क्या हम इसे काम करते हुए देख सकते हैं? ईल, बिल्कुल, मेरे पीछे आओ। कहानीकार ईल उन्हें दिखाता है कि कैसे मोती गुफा को रोशन करता है जिससे वह चमक उठती है। सीन सिक्स, घर वापसी। कहानीकार जैसे ही दिन खत्म होता है वे स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ चमकते क्रिस्टल लेकर घर लौटने का फैसला करते हैं। दादी शार्क मुस्कुराते हुए, आज का दिन वाकई जादू था। याद रखो, समुद्र उन चमत्कारों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।